साल 2004 की बात है जब एक नामी ज्योतिष ने प्रियंका गांधी को लेकर एक दावा किया था। दावा ये था कि प्रियंका गांधी 47 साल की उम्र में देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उस बात को लगभग 14 साल बीत चुके हैं और प्रियंका गांधी भी 47 साल की हो चुकी और कुछ ही समय में देश में लोकसभा चुनाव भी है। क्या ये मात्र संयोग है या वाकई में ज्योतिष के दावों में दम है, देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रियंका गांधी को 47 साल की उम्र में कांग्रेस का महासचिव बनाया गया तो ज्योतिषी खन्ना का साल 2004 में किया दावा फिर से सुर्खियां बन गई, जिसमें इस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि प्रियंका गांधी 47 साल की उम्र में देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। फिलहाल प्रियंका की उम्र 47 साल है, ऐसे में ज्योतिषी का दावा क्या यह मात्र संयोग है या कुछ और बात है? आपको बता दें कि इससे पहले भी इस ज्योतिषी ने कई भविष्यवाणियां की है, जिनमें से कई भविष्यवाणियां सही साबित हुई है, जिसमें उनकी साल 2009 में नरेंद्र मोदी के उत्थान की भविष्यवाणी भी शामिल है। इसके अलावा इसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, बल्कि पीवी नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में रहा कोई व्यक्ति ही प्रधानमंत्री होगा। यह बात तब सही साबित हो गई जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री बने। अब प्रियंका गांधी को लेकर उनकी की गई भविष्यवाणी में कितना दम है यह देखना दिलचस्प होगा। लोकसभा चुनाव में चंद महीने ही शेष बचे हैं, आने वाले कुछ महीनों में ज्योतिषी के दावों की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। खबर अपडेट की रिपोर्ट।